गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 14 मई, सुबह के बज रहे 9 और मिड मई है भाई, और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और सामने देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर वही हैं जो यहाँ से चार धाम जा रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन मुझे गंगोत्री की लग रही है। यहीं पे हेलीपैड है, यहाँ से इस तरफ मसूरी के ऊपर से होता हुआ ये उस तरफ सबसे पहले गंगोत्री जा रहा है, वाइट कलर का हेलीकॉप्टर है। फिर वहाँ से यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ से जो देहरादून से किराया हेलीकॉप्टर का वो काफ़ी ज़्यादा है जो चार धाम कर रहे हैं, हालांकि टिकट मिलना मुश्किल रहता है। बहुत पहले जैसे ही वेबसाइट खुलती है तभी बुक करा लो। और यहाँ से जो किराया है वो है भाई 65-70 हज़ार रुपये एक धाम का होगा, दो धाम का शायद 80-90, मेरा अंदाज़ा है, मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद इतना ही था। और अगर आपको सारे धाम करने हैं तो भाई ये होटल प्राइवेट कंपनियां होती हैं, नीचे होटल होते हैं, वहीं पे वीआईपी दर्शन होंगे, होटल भी होंगे, स्टे भी होगा, फूड भी होगा, सब कुछ होगा। यहां से बैठो मुझे लग रहा है 2-2.5 या 3 लाख रुपए में आपको चारों धाम के दर्शन करा दिए जाएंगे। और इसमें भी लग्जरी और इकोनॉमिकल दो तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं, तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपको दे देनी चाहिए। वैसे इनकी वेबसाइट आप गूगल पर करेंगे, प्राइवेट कंपनी है, 5-6 वो इसको मैनेज कर रही है। हेलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं ईशान भाई वाले प्लॉट से, और यहाँ पे मैं चेक करने आया हूँ कि पानी भरा हुआ है या नहीं। फिलहाल तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? सूप निकाल रहे हैं देने के लिए, बताया। 11:30 बज गए। मुझे क्या बनाया, दलिया दे दो। कहाँ दोगे सूट? मेरठ किसके देने सूट? शास्त्री नगर बता रहे हैं। तो इतनी जल्दी सिल देगा वो? चाचा जी ले आएंगे ना, मैं वो देके आऊंगी। अच्छा ठीक है, तो तुम अपने घर जाओगी या मेरे घर जाओगी मेरठ, ये बताओ। मंगल पांडे नगर जाओगी, सैनिक विहार जाओगी? मेरे घर है, मैं कहीं भी जा सकती हूं। तो फिर मंगल पांडे नगर चलना, सैनिक विहार नहीं जाना, वो दूर पड़ता है, इधर को जाना पड़ेगा उसके लिए। तो भाई लक्ष्मी मेरे साथ मेरठ जाएगी, संडे में मीटिंग है एक, तो ये सैटरडे में मेरे साथ जाएगी, और उधर से तुरंत आ जाएंगे हम। संडे में भी आ सकते हैं और मंडे में भी आ सकते हैं, ये नहीं कि वहाँ पे ड्रामे होंगे। मऊवा बिना तुम्हारे तो ठीक है, ठीक है मैं बता दूंगा। हो सकता है हम पहले दिन से फ्राइडे में चले जाएं। तो मैंने कह रही थी, मैं कहा अगर सैटरडे में आएंगे तो हो सकता है सैटरडे में जल्दी आ जाएंगे, शाम को तुम्हारे यहीं रुक जाएंगे, वहीं खाना खाइए, वहीं रुकिए, सैटरडे में कर देगी। दोस्तों घर के सामने तो डॉग हैं, बहुत प्यारे हैं, ये टॉप ब्रीड रोटवीलर हैं, रोमन बोलते हैं शायद, रोटवीलर में 2-3 आते हैं ना रोमन वाले हैं। ये तो बिच है और इस तरफ वो मेल डॉग हैं, इनके अभी बच्चे हुए थे जो कि इन्होंने मेरठ पहुँचाए हैं। 30,000 रुपीज़ में एक बच्चा गया है भाई, और दो बच्चे मेरे को बोला है कि आपके लिए फ्री, किसी को देने हो अच्छी फैमिली को जिनके पास बड़ा घर हो तो दे दो सुभाष भाई। भाई इतने तेज है ना, देखो वहाँ से मेरे को देख रहे हैं, देखो इसकी भी नज़र यहाँ है, इसकी भी नज़र यहाँ है, ऐसे डॉग मैंने कहीं नहीं देखे, बेस्ट गार्डिंग डॉग है। बहुत इंटेलिजेंट है भाई, अगर कोई आता है ना गेट पे तो एक यहाँ इस गेट पे जाता है, एक उस गेट पे जाता है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक तरफ घूमते हैं, अलग अलग पहरा देते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। सो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक घर की रिकॉर्डिंग करने, जिसको मैं रेगुलर हर हफ्ते वीडियो भेजता हूँ सिंगापुर। इनका घर ऑलमोस्ट तैयार होने को है, और अभी इस घर की छत से मैं आपको पीक गर्मी का व्यू दिखा रहा हूँ मई का, कि मई में पहाड़ कैसे दिखते हैं, जंगल कैसे दिखते हैं, कैसी आवाज़ आती है। बल्कि मैं देख रहा हूँ उस तरफ से बादल आ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, और क्योंकि उस तरफ बादल आ रहे हैं सूरज के सामने, तो उस तरफ पूरे में छांव हो चुकी है उन पहाड़ों पे, डार्कनेस। ये देखो कोयल बोल रही है, ये दिन फिर लौट के नहीं आते, फिर अगले साल फिर आएंगे ये दिन। अभी मई 14 है, बरसात शुरू हो जाती है जून के लास्ट में, कभी 25 जून से, तो क्या होता है कि यहाँ पे सब जगह से पानी, इतने घने झाड़ियाँ, हरा ही हरा हो जाता है, फोग उड़ रहा है, क्योंकि मॉनसून में आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो ये जो ड्राइनेस है ना, ये मई की गर्मियाँ, ये तब मिस करता हूँ मैं, सर्दियों में मिस करता हूँ। ये इतनी सारी चिड़ियाँ हैं, ये देखो प्यारी सी, बिल्कुल इतनी छोटी सी चिड़िया है, बैठेगी तो रिकॉर्ड करूँगा, कोशिश करता हूँ, अगर दिख गई तो यहाँ पर, ये देखो ये बैठी, ये 20x जूम कर दिया है, ये बैठ गई, छोटी सी है, एक उंगली जितनी, उड़ गई। सो गर्मियों के अलग मज़े हैं, 15 जून को जिम कॉर्बेट और राजा जी बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले जिसको सफारी करनी है दबा के कर लो भाई। आई होप ये वाली वीडियो मेरी जब तक आ जाए उससे पहले
ताकि आप ऑफ कोर्स आ जाएगी। अब मेरी वीडियो शायद ज़्यादा दिन लेट नहीं चल रही है, 15 दिन 10 दिन इसको भी मैं क्लोज कर लूँगा, फिर 3-4 दिन लेट चले कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक दिन में एक ही ब्लॉग बनेगा, चाहे कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ। सो इन्होंने यहाँ पर नई रोड निकाल ली है गाँव वालों ने, इस तरह से इस घर के आगे भी रोड हो जाएगी और पीछे भी रोड हो जाएगी। वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, ये देखो ट्रक आया हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ, ये देखो सीमेंट के कट्टे आए हैं, दबा के घर बन रहे हैं इधर उधर पहाड़ों में। आपको कहीं भी रहना है, हर जगह घर प्लॉट ले सकते हैं, पर आना पड़ता है, रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये देखो हवा चलनी चालू हो गई है, मौसम बदल रहा है ना, वैसे तो आज की बारिश नहीं थी पर उस तरफ से बादलों के साथ एकदम से एक आंधी सी आती जा रही है। इससे पहले आंधी आए मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से। सो दोस्तों रात के बज गए 8:30 और यहाँ पे हो गया डिनर टाइम। आज क्या बनाया लक्ष्मी ने? मूंग की दाल, मैंने बोली थी उसकी उड़द की दाल। डरा रही हो, मैं मूंग की दाल खाता नहीं। ये तुमने बनाई है ना पूरी? ठीक है, तुम्हारे हाथ की तो उड़द की दाल मैं पहली बार खाऊंगा शायद, खा रखी है। अब मेरठ जाएंगे तो मेरठ में याद दिला देना मल्टीग्रेन आटा लाना है, क्योंकि ये वाला आटा फिर हमें ये व्हीट का यूज करना पड़ रहा है, गेहूँ वाला। The next day. Good morning and good afternoon from Dehradun. आज है 15 मई, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और भाई देखो कितनी गर्मी हो रही है। मेरे को तो मज़ा आता है भाई, जितनी गर्मी होती है उतना अच्छा लगता है। ये देखो पहाड़ कैसे दिख रहे हैं, मई भरी हुई, मई में, मिड मई में। देखो ये दिन भी याद आएंगे जब यहाँ पे मॉनसून आ जाएगा। सो ठीक है, करते हैं दिन की शुरुआत, चलते हैं मार्केट में, आज 2-3 काम है। सबसे पहले ईशान भाई वाले प्लॉट पे चलते हैं इस तरफ, फिर चलते हैं कारपेंटर के पास मार्केट में, और फिर एक यहाँ पे तजेंद्र जी रहते हैं, उन्होंने अपना नया घर बनाया है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की तरफ सुद्धवाला से अंदर, वो यहाँ से शिमला रोड पर है, तो उनके पास भी चलते हैं। चलो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज अपनी बलेनो आ गई है 2 दिन बाद, क्योंकि मेरा भाई मसूरी गया था, वो इसका फ्रेंड आया था जो त्यागी, वहाँ पे होटल पे रुके हुए थे। ओहो इसने तो पूरे शीशे बंद कर दिए। एक्चुअली मैं कभी भी कार के शीशे बंद नहीं करता हूँ, पूरे इतने खोल के रखता हूँ, तो कभी मैं कार में बैठता हूँ दोपहरी में तो प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें थोड़ा सा एक बार एसी चलाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो मेरा फ़ोन है ना S24 Ultra, ये बहुत रिपीट वे में कम से कम दिन में 1 या 2 बार हैंग हो जाता है, मतलब कैमरा ओपन नहीं होता और ब्लैंक आता है पूरा, मतलब ऐसा नॉर्मली आईफोन नहीं करता था, आईफोन तो महीने में एक बार करता था, ये दिन में एक बार करता है 1 या 2 बार। ये भी प्रॉब्लम है एंड्रॉयड में, भले ही S24 हो, ये है तो एंड्रॉयड। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर मैंने कल भी ऐसा हुआ, तो फिर मैंने बहुत कैमरे को बार बार ओपन करके क्लोज़ किया, फिर एप्लीकेशन को ही क्लोज़ कर दिया, और फिर दोबारा से ओपन किया तब भी कर रहा, अभी भी सुबह हैंग हुआ, अभी मैं कार के पास आया तो मैंने सोचा ये चीज़ भी आपको शेयर कर दूँ। S24 Ultra और आईफोन में मैं अंतर बताऊँगा, एंड्रॉयड और आईफोन में नहीं बताऊँगा, वो तो कोई मैच ही नहीं है, लेकिन S24 Ultra में और आईफोन 15 Pro 14 Pro जो भी हैं इन सब में अंतर बताऊँगा। तो अभी तो भाई आईफोन ही हर जगह से आगे चल रहा है, सिर्फ इसका जूम अच्छा है। गलती से 4K वीडियो बनानी चालू कर दी थी तो मेरी वाट लग गई थी, लैपटॉप की भी मेमोरी भर गई, फ़ोन की भी मेमोरी भर गई, और फिल्मोरा भी हैंग हो रहा था, इतना स्मूथ नहीं चलता, काफ़ी प्रोसेसिंग में, रेंडर में काफ़ी टाइम लगता है। तो 4K इज़ नॉट पॉसिबल, रियली में 4K पॉसिबल नहीं है। अभी फुल HD में, FHD में चलेगी वीडियो, यानी कि 1080p में। हमारे घर के सामने जो रोड है यहाँ पे कल JCB आई थी और इन्होंने सारी रोड तोड़ दी, पता नहीं क्यों, मतलब छेद छेद कर दिया ऐसे, पता नहीं क्यों किए, समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों अभी तो मैं ईशान भाई वाले प्रॉपर्टी पर आया था, तो यहाँ पर अभी ये काम चल रहा है, अभी पानी तो का तो छिड़काव लगातार चल ही रहा है, और यहाँ पर सरिये वालों ने अपना ये सरिये बांधने चालू कर दिए हैं यहाँ पे क्रैंक देके, और इस तरह से ये 9.5 फुट के ऊपर तक ये सरिये बांधेंगे, और कल इनमें वो लग जाएंगे जो खांचे होते हैं, फिर कल से ही शायद इसमें वो भरना चालू कर दें जो कंक्रीट भरते हैं। तो अब सेकंड लेंटर की तैयारी चल रही है जो कि 18 दिन बाद शायद डल जाएगा, आई होप। सो दोस्तों अभी मैं कैनाल रोड हूँ, और अभी क्या हुआ तो यहाँ पे एक पेड़ आता है गुलमोहर का, इतना प्यारा पेड़ है ना, तो मैं हमेशा कैमरा ओपन करता हूँ, लेकिन कैमरा ओपन पिछली बार भी नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं हुआ, पूरा ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी, तो मतलब देख लो कितना S24 ने मेरा 2 बार कंटेंट छुड़वा दिया, इतना प्यारा पेड़ था वो, और किस तरह से ये ओपन नहीं होता है कैमरा इसका। तो फिर मैंने तो अनलॉक किया तब कैमरा ओपन किया, तब तो हो गया। तो चलो चलते हैं मार्केट में, अभी कारपेंटर के पास चल रहे हैं, और फिर उसके पास तजेंद्र जी के घर चलेंगे जो कि LA City में रहते हैं। ये वाला पेड़ देखो कितना प्यारा है, आजकल मई में काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं। दोपहर के 3 बज गए हैं और भाई यहाँ पर इन भाई से मीटिंग होगी है, ये तनिष्क का इंटीरियर वाले हैं, और पूरा चौखट की और दरवाज़ों की बात होगी है। अब चलते हैं आगे तजेंद्र जी के घर पे। दोस्तों अभी मैं तजेंद्र जी के घर जा रहा हूँ, जिनका घर LA City डुंगा में है,
ये देहरादून से बिल्कुल आउटर में आके है और यहाँ पर कॉलेज बहुत हैं, बाबा फरीद कॉलेज या फिर देवभूमि इंस्टीट्यूट, माया कॉलेज, तुलाज, और यहाँ पे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी है इस तरफ, जो कि मेरे ख्याल से पूरे देहरादून की सबसे अच्छी और मानी जाती है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। वहाँ से बीटेक होती है पेट्रोलियम में और एमबीए भी शायद कुछ इस तरह से है वहाँ पे। और बीच बीच में जंगल पड़ते हैं साल के, ये देहरादून की पहचान है। इस एरिया में पहले तो बहुत बारिश हुआ करती थी, बहुत बारिश। अब तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, पेड़ पौधे कट गए हैं, अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा इस एरिया में भी। हम तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडियन पब्लिक स्कूल में मेरे अंकल थे जो कि मेरे फादर के साथ ही आर्मी रेजिमेंट में थे, तो वो पीटीआई थे वहाँ पे, तो यहाँ भी फिर पीटीआई बन गए थे। वो मसूरी में सेंट जॉर्ज स्कूल, देहरादून में दून स्कूल, वेलम स्कूल, सब जगह उनको उन्होंने जॉब की है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज मेरा इधर मौका मिला, मैंने सोचा एक बार इनका घर देख लेता हूँ, तजेंद्र जी का ये नया घर बना इनका, और इनके पड़ोस में भी किसी लंदन में रहते हैं वो घर बनवा रहे हैं, तो मुझे अभी आइडिया मिल जाएगा ईशान भाई वाला एयरबीएनबी बन रहा है तो किस तरह के दरवाजे, किस तरह का इंटीरियर है, तो थोड़ा इनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो इसलिए मैं इधर आया था। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं एल ए सिटी, इसके सामने जंगल है, ये देखो भाई इधर भी कुछ प्लॉट हैं, फिर जंगल है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ, बहुत शांति है यार यहाँ पे। तो गार्ड जी को बता देते हैं तजेंद्र जी के यहाँ जा रहा हूँ, सभी पहुँच गया हूँ तजेंद्र जी के यहाँ पे, मैंने आपको बोला था। और देखो थोड़ा सा होम टूर ले रहा हूँ, ये बच्चों का कमरा है, इसकी अलग ही थीम है पूरी, बढ़िया। और मेन चीज़ भाई मैं डोर देखने आया हूँ यहाँ पे, देखो डोर कितने प्यारे हैं, एसडीएमआर के किस तरह से यहाँ से इन्होंने बॉर्डर करवाया हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ से व्यू देखते हैं भाई, ये पूरा एलए सिटी है, यहाँ पे एक्चुअली शांति बहुत है, वो देख रहे हो आप जंगल पूरा, और नए नए घर बनने लग रहे हैं बहुत तेजी से, 80 फैमिली रहती है एलए सिटी में। ये वाले गमले भी आप सहारनपुर से लाए ना? नहीं, ये मैं दिल्ली से मंगाए थे। और ये पेड़ सहारनपुर से? अच्छा, ये सहारनपुर से। इस पेड़ की खासियत ये है, अच्छा 6 महीना हो गया है, अच्छा एक बार भी धूप नहीं लगाया है, और आज भी देखो कितने, हाँ ग्रीनरी देखो, ग्रीन है। ये कौन से वाले हैं ये? इसका नाम है रेड चिमेरा, अच्छा, नाम तो रेड चिमेरा लेकिन अच्छा, रहते ग्रीन है। अच्छा, तो ये घर के अंदर उग जाते हैं ना। हाँ। और मेरे ख्याल से इस तरह के गमले इस तरफ कम मिलते हैं क्या, जो दिल्ली से लाए हो आप? ये यहाँ पे कोई लेता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा है उत्तराचल नर्सरी। अच्छा, इसका मटेरियल अलग है ना, थोड़ा प्लास्टिक टाइप है। प्लास्टिक ही है। अच्छा, प्लास्टिक है। अच्छा अच्छा, टीवी आपने इधर भी रखा है और अंदर भी, देखो। हाँ अच्छा, ये फ्रंट हो गया पूरा, अरे वाह। सो भाई ये फ्रंट बालकनी है पूरी, और ये व्यू है ये अपनी बलेनो। सो सामने भी ये देखो घर बने हुए हैं, अलग अलग चिड़िया बोल रही हैं, काफ़ी सब अपने ड्रीम हाउस बना रहे हैं। देखो वहाँ पे भी एक अलग ही तरह का क्यूट सा छोटा सा घर बन रहा है, वाह। ओ भद्रास टेम्पल, भद्रास टेम्पल मेरे ख्याल से सामने दिखता ना बिल्कुल पीक पे, अभी है अदरवाइज वो सामने दिखता है बिल्कुल टॉप पे जो है। ये देखो यहाँ पे मतलब अभी छाँ आई हुई है, देखो बिल्कुल डार्क हो रखा है पार्ट, इतनी वहाँ तो बहुत कम धूप रहती है, बादल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं ना, क्लाउड एंड राइट में है इस तरफ से पूरा भद्राज। अरे वाह, यहाँ से मतलब एक कोटी जगह है, कोटी से तो 3 घंटे का ट्रैक है भद्राज का। सो इस तरह का बाथरूम है, वाह ये अच्छी चीज़ है। ये होता है ड्राई एरिया, सेमी ड्राई, और वो वेट एरिया, यही एक फॉर्मेशन होती है, कुछ लोग इसको गलत बना देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं ना, वो ठीक नहीं होता। सो भैया हम आ गए रूफ पे, सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ भी जिम है, जो जो मेन मशीन्स हैं जो चाहिए होती हैं बेसिक, वो सब है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है प्यारा सा, और यहाँ पे ये पीवीसी, और यहाँ से व्यू, अच्छा इधर भी छोटा सा विंडो दे दिया, अच्छा रूफ यहाँ भी आ गई है, अरे वाह। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बाहर मान लो कब पार्टी कर रहे हैं बाहर बैठे हैं तो ग्रिल के लिए? अच्छा अच्छा, दो चीज़ें एक साथ बना सकते हो अलग अलग। अच्छा, तो इंडक्शन बारबेक्यू, नीचे मिनी फ्रिज, अभी चौके भी है नहीं। अच्छा, लग रहा है। अच्छा, तो ये बारबेक्यू का ही सेटअप है। अच्छा, तो कभी पार्टी शार्टी करनी हो। इसमें ये अंदर क्या होता है, ये पत्थर? ये वोल्केनो। अच्छा, फील देगा कोयले वाली, तो ये जल गर्म हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक है, धुआं नहीं देगा लेकिन कोयले वाली फीलिंग है। तो ये धीरे धीरे कम भी होता है जैसे यूज करते हैं? नहीं, एक दो साल बाद फेंक के नया। अच्छा, फिर नया आ जाता है, एक दो साल तक चल जाता है, वॉशेबल होता है। अरे वाह, बढ़िया। तो तजेंद्र जी से मुझे काफ़ी आइडिया मिले कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें मैं मतलब अपने आइडियाज़ पुट कर सकता हूँ वहाँ एयरबीएनबी पे, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है तजेंद्र जी के घर का, और देखो पूरा इस तरह से इन्होंने वॉल पे यहाँ पे वर्क किया हुआ है। सो इस तरह का भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई सिंपल वॉल ना रखी हो, यही मैं सोच रहा हूँ मैं, मेरे को ये लग रहा है मलेशिया थाईलैंड की तरफ का फ़ोटो क्योंकि वहाँ पर ही ऐसा
अरे टीवी है ये मुझे लग रहा वो है, ये पेंटिंग है। ये एक्चुअली मैट फिनिश है, बोला ऐसा अच्छा। लगेगा नहीं कि ये टीवी है ये, लेकिन टीवी है। अच्छा ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये जो है ना ये फिटिंग है। अच्छा ये अलग से करवाई आपने? नहीं नहीं आता ही ऐसा टीवी। अच्छा टीवी ऐसा आता है, अरे वाह। तो ये तो कभी बंद भी नहीं होता होगा, ऐसे चलता रहता होगा लेकिन अदरवाइज टीवी है प्रॉपर। ये 65 इंच है ना? ये 65 इंच सैमसंग है। सैमसंग, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह। क्योंकि इसमें टीवी वाली शाइनिंग नहीं आ रही, मैट फिनिश आ रही है, रिफ्लेक्शन आ जाता है ना। सो दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और एक बार मैं यहाँ पे यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ भद्रराज टेम्पल के पहाड़ों का। देखो कितने डार्क हो रखे हैं, अब बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गर्मी थी तो हेज हो रखा था और अब काफ़ी सारी चिड़ियाएँ बाहर आ गई हैं जंगल से। सो यहाँ पे ना एयर फाइबर लगा हुआ है भाई, पहली बार मैं इसको एयर फाइबर को देख रहा हूँ। ये सिग्नल ना ऐसे ही रिमोट एरिया में ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो टावर से ही खींचता है। और भाई स्पीड देखो पूरी 100 Mbps, गजब, अपलोडिंग भी और डाउनलोडिंग भी। सो ये होता है इसका कैचिंग का जो डिवाइस होता है, तो यहाँ से ये कैच करता है। देखो सामने टावर है तो इस तरह से लगता है, और ये कहीं भी लगा सकते हैं भाई जंगल में, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। तो अभी हम रूफ पे आ गए हैं और यहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा इस तरह से जंगल, यहाँ से जो मेन रोड है ना चक्राता रोड, तो वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए इस तरह से जंगल से होते हुए जाना पड़ता है। और पूरा साल का जंगल है चारों तरफ। ये देखो ये छोटा सा पैच है यहाँ पे, ये तो LACT बन गया है और आगे भी कुछ लोग रह रहे हैं। और देखो पूरा जंगली जंगल और इस तरफ पहाड़ का भी आ रहा है, वाह। हालांकि यहाँ से चक्राता वाले पहाड़ दिखते हैं, उस तरफ होंगे शायद लेफ्ट में, है ना, क्योंकि भद्रराज के बाद फिर वो चक्राता वाले पहाड़ आ जाते हैं। और ये देखो किस तरह की अजीब सी रोशनी हो रखी है पहाड़ों के पीछे, अलग ही फिनोमिना। और देखो यहाँ से कोटी जगह दिखाता हूँ जो आजकल फेमस हो रखी है, काफ़ी रील वगैरह पे फेमस हो रखी है, काफ़ी प्लॉटिंग हो रही है। तो जो भी लोग आ रहे हैं वो कोटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मेरे पास भी काफ़ी क्वेरी आ रही है कि कोटी कैसी जगह है, मैं कभी जाऊंगा। वो सामने टावर के ऊपर जो दिख रहा है जगह, वो कोटी है, वहाँ से 3 घंटे का ट्रैक है भद्रराज टेम्पल का, और पूरा घना जंगल है भाई, उसको भी जरूर करेंगे जल्दी। वो क्या दिख रहा है सामने वाइट वाला? ये मिसराज पट्टी करके गाँव है। अच्छा ये गाँव है, ये मेरे ख्याल से कुछ इंस्टीट्यूट बन रहा है? नहीं वो भी विलाज है। अच्छा इस तरह से ही बनाए। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये फुटहिल है हिमालयस का। सो फुट हिल पे कितनी डिमांड है यहाँ पे ज्यादा? पहले मसूरी पढ़ने जाते थे। अच्छा पैदल ही चले जाते थे पहले? वहाँ के बच्चे मसूरी ही पढ़ते थे। अरे अब तो खैर खुल गया होगा कोई ना कोई स्कूल। पर भाई यहाँ के देखो वो जो आप एरिया देख रहे हैं ना, वहाँ से मसूरी जाते थे बच्चे। खैर यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि लेपर्ड तो हैं, और तजेंद्र जी बता रहे थे कि लेपर्ड तो खैर एक दो बार आ जाते हैं सुनने में, वो तो नॉर्मल है हर जगह, पर टाइगर नहीं है। ये शुक्र है टाइगर और एलिफेंट नहीं है इस तरफ, तो इतना खतरा नहीं है, क्योंकि लेपर्ड थोड़ा साई होता है, वो भाग जाता है आपको देख के। काफ़ी पीस है भाई यहाँ पे। अब जब से मैं आया हूँ कोई होंकिंग की आवाज़ नहीं है, कोई शहर का जो आवाज़ आती है, कोई बिल्डिंग बन रही है बस थोड़ी बहुत ही है, ऐसी वैसी आवाज़ आ रही है, बाकी वैसा जो पॉल्यूशन होता है नॉइज़ पॉल्यूशन वो बिल्कुल नहीं है, ना एयर पॉल्यूशन है ना नॉइज़ पॉल्यूशन है, मेडिटेटिव इन्वायरमेंट है पूरा। सो दोस्तों यहाँ पे सोलर गीजर लगा हुआ है, तो इसमें देखो ये वाटर टैंक ये है, और यहाँ से धूप से ये पानी गर्म कर देता है, और इतना। और देखो सबने लगा रखा है भाई, ये तो वी गार्ड का है और वो स्टेलर का है, और फिर एक उधर लगा हुआ है, और ज़्यादा मतलब मुझे एक्सपेंसिव भी नहीं लगे, वो 24,000 का है, ये 40-45,000 का है, तो ये तो बेस्ट चीज़ है भाई। और बाई चांस अगर धूप नहीं आ रही ना 2-3 दिन मानसून में, तो इसमें एक कनेक्शन भी देके आप बिजली से भी चला सकते हैं, तुरंत वहाँ से स्विच दबाओ। अच्छा इसमें भी सब्सिडी है? अच्छा बिजली के बिल में, अरे वाह, अगर ये लगवा लिया तो भाई बिजली के बिल में 450 रुपये महीना वापस आएगा, ये तो सबसे बेस्ट है। सो ये 3 किलोवाट का लगा हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे ए 1,90,000 में है और सब्सिडी के साथ 60,000 में पड़ा है। और अगर आप यहाँ पे नहीं हो, यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये खंभों के द्वारा चली जाती है बिजली, और सरकार उसका पैसा भी देती है, तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये। सो ये भी लगना चाहिए और वो भी। सो भाई ये जो फ्रिज है सैमसंग का, इसमें टीवी चलता है पूरा, यूट्यूब वगैरह, और तो मैंने आज यहीं आके देखा पहली बार ऐसा टीवी। पानी भी जाता है ठंडा। अच्छा और इसमें आइस क्रस्ट वगैरह सब आ जाता है, क्यूब भी आ जाता है और क्रस्ट वाली आइस भी आ जाती है। और ये तो एलेक्सा का वो हो गया, ये माइक्रोवेव है। अच्छा अच्छा ये ओवन है, इधर डिशवॉशर, ठीक है ठीक है। अच्छा उस ये डिशवॉशर दिखाना एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है, काफ़ी लोग इससे बोलते हैं कि ये यूज़फुल नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल, बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। और ये होब बोलते हैं इसको, और एक होब मैंने आपको दिखाया है ग्रिल वाला, और इंडक्शन भी दिखाया है, और एक होब होता है ये। भाई 7-8 हो गए, हम एक बार चाय लेके यहाँ पे आ गए हैं बालकनी में, और हवा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर ऋषिकेश जैसी हवा चल रही है, ये देखो, मतलब जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, क्या ठंडा इन्वायरमेंट, क्या ठंडी हवा, सुपर।
और मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि सुबह 5:30-6 बजे कैसा माहौल होता होगा यहाँ पे। सो गाइस सैर तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ से भद्रास टेंपल दिखने लगा है। लाइटें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखते हैं S24 में अल्ट्रा में मंदिर दिखता है या नहीं। ये देखिए ये 3 लाइट दिख रही है ना आपको, ये टेंपल की हैं। सो दोस्तों अब चलते हैं घर पे। घर पे जाने से पहले तजेंद्र जी को मैं फॉलो करूँगा, अब हम जा रहे हैं डिनर करने। तजेंद्र जी बोल रहे हैं यहाँ पे LP विला है और ये देखो इनका घर, और ये बोल रहे हैं कि डिनर मेरे साथ करना, यहाँ पे LP विला सबसे बेस्ट है, वहाँ पे डिनर करते हैं। चलो तो उधर ही चलते हैं, देहरादून का सबसे अच्छा खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये पहुँच चुके हैं हम LP विलास, यहाँ पे एंट्री है और इसके साथ रेस्टोरेंट का नाम मालूम करना पड़ेगा क्या है। ये तजेंद्र जी की कार है आगे, स्कोडा रैपिड, इन्होंने बोल दिया होगा इसको कि इस वाली कार को भी आने देना, उन्हीं के साथ हूँ मैं। सो दोस्तों ये देखो यहाँ पे आज इस बार मैं पहली बार आ रहा हूँ, बने हुए तो शायद इसको 6-7 साल हो गए इस होटल को। वलट पार्किंग है तो अपने आप ही ये लोग पार्क कर देंगे। अरे सो दोस्तों ये इनका रेस्टोरेंट है और आज यहीं पे ही मेरा खाना होने वाला डिनर। सो भाई इनका बुफे ये है, मैं थोड़ा सा इनका रेस्टोरेंट घुमा देता हूँ, जाफरान नाम है इसका। और चलो इस तरफ देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। रसगुल्ला, क्या बात है, छेना जलेबी, डेट पुडिंग, वाह बढ़िया भाई। मिठाई कितनी सारी है भाई, शाही टुकड़ा, कैरेट स्वीट। अब आप नाम पढ़ सकते हैं, मैं बार बार पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकती है। वाह ये देखो एक मतलब इन्होंने एक हेरिटेज लुक दिया हुआ है। ये यहाँ पर रिसेप्शन है, सो शरबत खास, तो मेरे ख्याल से इनके पास काफ़ी प्रोफेशनल शेफ हैं। अच्छा ये क्या बना रहे हो, रोल? अच्छा काठी रोल है, चलो गोल गप्पे वगैरह ये तो सब बफे में आ जाता है ना, बहुत बढ़िया यहाँ पे। अच्छा ये के लिए ये भी है बैठने का यहाँ पे। सो दोस्तों चाट काउंटर भी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो शेफ़ हैं ये भी प्रोफेशनल हैं, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है इन्होंने। अरे वाह बटर मिल्क भी है और ये देखो ग्रीन एप्पल वगैरह, स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर क्या रखा है भाई इन्होंने, स्टीम, मुझे लग रहा है मोमोज होंगे। अरे हाँ मोमोज हैं इसमें, देखें सब में मोमोज हैं, एक एक मोमो रखा हुआ है। अरे वाह वेज लोंगफा सूप और ये है चिकन। अरे नहीं इससे तो मैं दूर रहूँगा, नॉन वेज नहीं, मैं प्योर वेज हूँ। पेस्ट्री वगैरह भी है। सो भाई तजेंद्र जी और मैं एक साथ आज डिनर करेंगे और सबसे पहले चिली पनीर ट्राई करते हैं भाई, यहाँ की चाट भी ट्राई करते हैं, फिर इनके शेफ की क्वालिटी बताता हूँ। वैसे मैंने पानी पूरी का पानी ट्राई किया था, वो तो बेस्ट था। सो दोस्तों डिनर तो हो गया, डिनर काफ़ी अच्छा था और चाट वगैरह सब कुछ ही काफ़ी अच्छी लगी। अट्रैक्शंस इन देहरादून, तो FRI हो गया देहरादून, जो हो गया टपकेश्वर टेम्पल, रोबर्स के माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, सस्तधारा, तो ये सब जगह घूम सकते हैं आप कभी देहरादून आए तो। अट्रैक्शंस अराउंड देहरादून, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार, मसूरी, राजाजी नेशनल पार्क, आसन बेराज, पोंटा साहिब और लच्छीवाला, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो ठीक है तजेंद्र जी बहुत अच्छा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम है ना, ठीक है, ओके ओके बाय बाय। सो दोस्तों रात के 9:45 बज गए हैं, अब फ्री हुआ हूँ, तजेंद्र जी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बीता। शाम को मैं उनके घर पे पहुँच गया था 4 बजे के करीब और जब से अब तक हम साथ ही थे काफ़ी सारी बातें हुई, होम टूर हुआ। रियली में भाई बहुत माइंड में बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं और किस तरह का मेरे को यहाँ पे Airbnb में क्या क्या चीज़ें इंटीरियर में काम आ सकती है, डोर का भी बहुत क्लियर हो गया है। और तजेंद्र जी की जो वाइफ है वो हिमाचल से हैं और ये बनारस से हैं, ये रिसर्च में है, मेडिकल रिसर्च में है और भाई घूमने का काफ़ी शौक है इनको, पूरा एशिया घूमे हुए हैं। एशिया में मतलब ये समझ लो कि जैसे मुझे राजाजी और कॉर्बेट की नॉलेज है ना, ऐसे इनको पूरे एशिया की नॉलेज है। और यूरोप में तो ये 29 या 27 कंट्री घूमे हैं और काफी समय से घूम रहे हैं बाय कार। अभी ये नेपाल पोखरा घूम के आए थे, अभी भूटान का प्लान था, बाय कार इन्होंने साउथ इंडिया पूरा, देहरादून से गोवा, गोवा से मतलब बहुत ड्राइव करने का इनको काफ़ी शौक है। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कुछ समय से ये देहरादून में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो मैं इनसे यही बात कर रहा था कि सबसे बढ़िया जगह है देहरादून शिफ्ट होने के लिए। और काफ़ी देखो इन्होंने पूरा इंडिया घुमा और कहीं भी शिफ्ट हो सकते थे क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं अभी, तो इन्होंने देहरादून ही चुना। और जहाँ पे इनका घर है ना लिटरल इतना मजा आ रहा था भाई, मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या व्यू होता होगा जब धूप खिलती होगी और सुबह इतनी चिड़िया बोलती होंगी, क्योंकि शाम को मस्त हो गया था भाई। बेहतरीन एरिया है ये, LA City है जिसमें काफी पॉश कॉलोनी है।
तो ठीक है भाई, घर चलते हैं। लक्ष्मी के भी बार बार मैसेज आ रहे हैं, कहाँ रह गए आज। मैंने बोला मैं तो खाना खा के आऊंगा, क्योंकि आज का डिनर तेजेंद्र जी की तरफ से था। और भाई मैं S24 अल्ट्रा के बारे में एक चीज और बता दूं, जब मैं तेजेंद्र जी के साथ वॉक कर रहा था उनकी सोसाइटी में, तो मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा चल ही नहीं रहा था। इतनी कोशिश करी रिकॉर्डिंग करने की, कैमरा बिल्कुल नहीं चला। फिर क्या हुआ, मैंने रीस्टार्ट किया इसको, तब जाके चला। मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस इशू के बारे में मैं पहले भी बता रहा था, और देखो बताते बताने के बाद भी हो गया, तब भी इस मोबाइल को शर्म नहीं आई कि ये बुराई कर रहा है सुभाष, कम से कम अब तो ऐसा मत कर। उसके बाद वो नाराज हो गया, तो भाई ये मैं नहीं आ रहा इसका S24 अल्ट्रा का, ये पैथेटिक चीज़ है, ऐसा आईफोन में कभी नहीं हुआ। मैं आईफोन लवर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, ना मैं आईफोन लवर ना था। मैंने 1+3, 1+6 पहले एंड्रॉइड ही यूज़ किए हैं, क्योंकि एंड्रॉइड में बहुत फीचर होते हैं। तो आईफोन मैंने मजबूरी में लिया, मजबूरी में। सोचो कोई आईफोन लवर नहीं है, एंड्रॉइड लवर है, और वो मजबूरी में आईफोन ले रहा है, तो आईफोन की कितनी पावर होगी, कितना जबरदस्त मतलब इसका कैमरा होगा। तो कैमरा ऑफ कोर्स इसका गजब था, सिर्फ जूम को छोड़ के, इसलिए मैंने ये लिया। मुझे इसको जल्दी से जल्दी स्विच करना पड़ेगा, 16 प्रो मैक्स लेना ही पड़ेगा जब आएगा अक्टूबर में। चलो कुछ महीने तो फिर इसको यूज करते ही हैं। तो दोस्तों आज जो मार्केट में काम किया है थोड़ा चौखट वगैरह का, तो उसके कुछ साइज करेक्ट करवा लेते हैं अभी घर पे ही, तो फिर मैं नया साइज उनको भेज देता हूँ चौखट का कारपेंटर को, फिर देखेंगे कितने प्राइस में वो बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, रात के 12:15 हो रहे हैं, कल की वीडियो एडिटिंग कर ली है, कल 8 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी, बस अभी ये प्रोसेस हो रही है और जल्दी से इसको अपलोड करेंगे। सो आई होप आपको आज का दिन बहुत अच्छा लगा हो। भाई मुझे तो मज़ा आ गया, तेजेंद्र जी से मिलके मजा आ गया, उनकी कॉलोनी घूम के मजा आ गया, उनका पूरा एरिया घूम के मजा आ गया, और उनके साथ LP में डिनर करके मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, आई नो यू आर ऑल्सो वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं भाई कल मॉर्निंग में 8 बजे, नए दिन की शुरुआत करते हैं। और कल मैं फिर चौखट फाइनल कर दूंगा इस घर के लिए, और डोर भी फाइनल कर दूंगा, डोर भी मुझे समझ में आ गया है कैसे बनवाना है, और मुझे एलिवेशन भी, बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन भी जल्दी फाइनल करना है। एक डिज़ाइन मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मुझे मैं चाह रहा हूँ और भी बेहतर, और भी बेहतर। इस घर में भाई मैं ऐसे घुसा हुआ हूँ जैसे कोई अपने घर में भी नहीं काम करता, क्योंकि ये Airbnb एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है बिलीव मी कि पूरे देहरादून क्या पूरे उत्तराखंड में इस तरह के 1BHK रूम नहीं होंगे, प्रॉपर्टी नहीं होगी। इतना सुपर होने वाला है, इतना प्यारा होने वाला है कि नीचे स्टिल्ट पार्किंग में जब आप लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार से आएंगे तो वो भी चार्ज करने की फैसिलिटी होगी, 3-4 जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट होने वाले हैं। जब अपनी प्रॉपर्टी कोई शुरू से बनाता है ना, तो उसमें जो मर्जी वो करो, तो बेस्ट प्लानिंग हो रही है, एक एक चीज़ बेस्ट हो रही है। तो आई होप ये जल्दी 4 महीने में 3 महीने में जल्दी ये प्रॉपर्टी बनके तैयार हो जाए। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।